देख रहे हैं भारत एजुकेशन की आवाज। डीएवी कॉलेज कानपुर के वनस्पति विभाग में महाविद्यालय के गरिमामय 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक लेक्चर सीरीज के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से आए वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश शुक्ला ने पावर प्लांट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बॉटनी फॉर वैल्यू एडिशन ए फ्यूचर अप्रोच शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर शुक्ला ने ट्रांसजेनिक तकनीक एवं जीनोम इंजीनियरिंग की अनुप्रयोगों जैसे फसलों की पैदावार वृद्धि, गुणवत्ता सुधार एवं प्रतिरोधी फसलें पर प्रकाश डाला। डॉक्टर शुक्ला ने मानव जाति की सेवा करने के लिए उचित जांच और संतुलन के साथ आधुनिक संयंत्र जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव ने की एवं संचालन नरेंद्र बाबू साक्य ने किया। इस मौके पर विभाग के शिक्षक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर साधना राय, डॉक्टर जावेद अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार शुक्ला, डॉक्टर पीयूष मिश्रा, डॉक्टर चारु चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता एवं समस्त कर्मचारी तथा छात्र उपस्थित रहे। पूरे हुए हैं तो डीएवी कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट्स में लेक्चर सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है। बॉटनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर देवेश शुक्ला जी NBRI लखनऊ से आए हुए हैं बायोटेक और प्लांट के ऊपर, उस पर उन्होंने अपना विचार विमर्श कर लिया। तो जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें कौन कौन लोग आए हैं? डॉक्टर देवेश शुक्ला जी, क्या स्कूल के छात्र छात्राएं या छात्र छात्राएं भी हैं? हमारा स्टाफ है, हमारे कॉलेज के और स्टूडेंट्स हैं बायोटेक के। कानपुर से संवाददाता जहीर खान की खास रिपोर्ट, भारत A2Z न्यूज। आप देख रहे हैं भारत A2Z की आवाज।